हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ग्री क्लासेस एंड माय सेल्फ अभिषेक मौर्या। और आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम आप लोगों को एग्रीकल्चरल हेरिटेज हमारी जो सब्जेक्ट चल रही थी और उसमें मैं आप लोगों को छोटी छोटी जो डिफिनेशन थी वो बता रहे थे हम, ठीक है। तो यहीं पर आज हम एक डिफिनेशन लेकर आए हैं, आइए कर देखते हैं हम लोग कौन सी डिफिनेशन आज पढ़ेंगे। हम लोग आज पढ़ेंगे सस्य विज्ञान के बारे में। किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? सस्य विज्ञान, क्योंकि अगला जो टॉपिक है आपका सस्य विज्ञान ही है। अब देखिए, सस्य विज्ञान को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं भाई? एग्रोनॉमी कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी कहते हैं। बस बोले ना, देखिए जो एग्रोनॉमी ये शब्द है, इसको ब्रेक किया जाए, अगर देखा जाए तो ये किससे बना हुआ है? देखिएगा, ये ग्रीक वर्ड, ग्रीक भाषा के शब्द एग्रोनोमोस से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? एग्रोनोमोस से बना हुआ है, ठीक है ना। तो जो एग्रोनॉमी शब्द है वो ग्रीक भाषा के एग्रोनोमोस वर्ड से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है, क्या होता है इसका अर्थ होता है? भूमि प्रबंधन। क्या होता है? भूमि प्रबंध या भूमि प्रबंधन होता है। बस मरे ना, तो कहने का मतलब क्या भाई, अगर देखा जाए इसको डिफिनेशन के तौर पे, अगर देखा जाए परिभाषा, अगर आपसे पूछ लिया लिखने के लिए एग्रोनॉमी की परिभाषा लिखिए, तो आप लोग क्या करेंगे, कैसे बताएंगे? कहने का मतलब ये है कि जो आपकी भूमि होती है, तो उस भूमि का अच्छे प्रकार से, जब अच्छे तरह से उसका प्रबंध किया जाए, बढ़िया से प्रबंध, जो भी चीजें होती हैं वो की जाए, प्रबंध करके उसके ऊपर जब वैज्ञानिक विधि से जब फसलों को उगाया जाता है, वही आपका सस्य विज्ञान कहलाता है। तो भूमि का अच्छे प्रकार से प्रबंध करके उस पर वैज्ञानिक विधि से जब फसलों को उगाया जाता है या खेती की जाती है, तो वो क्या कहलाता है? सस्य विज्ञान कहलाता है। बस मेरे ना, बात करते हैं यहाँ पे, आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अगर एग्रोनॉमी जो हमारा है, इसके अगर फादर की बात करें हम लोग, जनक की या पिता की बात करें हम लोग, तो देखिएगा इसके पिता हैं कौन है? देखिएगा पिट्रो डी क्रिसेन जी। याद रखिएगा, आपसे पूछा भी जा सकता है, तो बिल्कुल एकदम अच्छे से याद रखिएगा कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है? पिट्रो डी क्रिसेन जी है। बस मेरे ना, ठीक है। और आपको मैंने सस्य विज्ञान की परिभाषा बताई, तो आई होप आप लोगों को ये परिभाषा समझ में आई होगी। यहाँ पे ये जो वीडियो है ज्यादा लंबी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम आपको सस्य विज्ञान के बारे में बताने के लिए आए थे कि क्या होता है एग्रोनॉमी, क्या होता है व्हाट इज एग्रोनॉमी, ठीक है, इसी के बारे में आपको बताने आए थे। तो आई होप आप लोगों को ये जो हमारी डेफिनेशन बताया मैंने सस्य विज्ञान की, बिल्कुल याद हो गई होगी। अगर नहीं याद हुई तो आप लोग लिख लीजिए और उसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इसकी आगे आप लोगों को जरूरत पड़ सकती है। ओके, तो जैसे कि आपकी हमारी ये जो वीडियो देख रहे हैं, इसमें ये वीडियो काफी आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी है, और साथ में अपने आगे फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिए चैनल को, सब्सक्राइब करते हुए अन्य लोगों को भी सब्सक्राइब करवाइए चैनल को। ओके, तो चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो लेकर। ओके, वेरी वेरी थैंक्स।